Completamente, perdón. अच्छा एयरपोर्ट पे भी हमारे ऐसे ही प्रॉब्लम आ रही है। नया डाला था उसने तो दैट इज आर होटल रिजॉर्ट और ये सामने बीच है बिल्कुल 100 मीटर्स हम लोग बीच पे जा रहे हैं। बढ़िया ठंडक है, ब्यूटीफुल वेदर, परफेक्ट, व्हाट अ ब्यूटीफुल ब्रीज। केकड़े जी आगे बढ़िए।
best music here. Our favorite beach shack, Cafe Lilliput. यहाँ की vibe भी अलग है. वही तो बोल रहा हूँ, यहाँ पे कितना अच्छा व्यू आ रहा है. Greek style cottages. और बाहर अभी तो दिन में सब लाना चाहिए था. ये गोवा में घूमने की बेस्ट जो सवारी है वो है एक्टिवा, और उसमें भी अगर आपको पीछे बैठने मिल जाए तो सबसे बड़ी. सूरज डूबा है यार. Enjoying my morning stroll to the beach. सुबह सुबह बीच पे चलने का मज़ा ही अलग है, काफ़ी मज़ा आता है. अभी मैं सोच रहा हूँ थोड़ा आगे कैंडोलिम बीच तक चल के आ जाओ. वहाँ आगे जो है वो ताजगवाड़ा है, वहाँ पे लेट्स सी. We are at Arambol beach today.
We are going to do some beach hopping kind of a thing today. Extreme North Goa में काफी देखो सुंदर बीच है. हम लोग अरम्बोल पहली बार आए हैं. हम लोग काफी सुंदर जगह है, काफी साफ बीच है, वाइट सैंड काइंड ऑफ अ थिंग, ब्यूटीफुल, रियली ब्यूटीफुल. ब्यूटीफुल सी व्यू कॉटेजेस है अरम्बोल बीच पे. अरम्बोल बीच से चलते चलते हमको हो गए करीबन 20 से 25 मिनट स्वीट वाटर लेक की तरफ जाते हुए. कम से कम 20 मिनट, आई थिंक आधा घंटा हो गया है चलते जा ही रहे हैं. और ये हम लोग कहीं आ चुके हैं, बस इसके अंदर भी शायद और जाना है. ये कुछ सीक्रेट सा बीच है जिधर स्वीट वाटर लेक, जिधर से जाना है और आगे क्रॉस करके. काफ़ी सुंदर जगह है. अब यहाँ से और कहाँ जाना है वो पता करना पड़ेगा. तो हाँ वही है, स्वीट वाटर लेक आ चुका है शायद. यही है, छोटा सा पॉन्ड है, बैक वाटर जैसा फीलिंग देते हुए. कैरमल स्वीट लेक बार के नेक्स्ट. अरे स्वीट वाटर लेक अरम्बोल पे I felt personally this kind of overrated. ये पीछे बीच है. टाइम याद रख, 15:52. कितना टाइम लगता है वापस जाने.
बाय बाय गोवा, बाय बाय बीच।